हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं एलसीआर पर्पस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, और एलसीआर पर्पस के बारे में अगर आपको जानना हो तो सबसे पहले इस वीडियो के लिंक में आप जाके एलसीआर पर्पस के बारे में सारी जो जानकारियां हैं, जो भी उसका प्रतिघात का फॉर्मूला होता है, जो आवृत्ति होती है और जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो एलसीआर पर्पस के बारे में क्या क्या हो सकती हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज की प्रॉब्लम क्या है। एलसीआर परिपथ के अंदर एक प्रॉब्लम दे रखी है, जो हमारे यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रही है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, जो अल्टरनेट करंट है एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लैंग्वेज पे ध्यान दें, एलसीआर सीरीज सर्किट है जिसके अंदर अल्टरनेटिव जो वोल्टेज है वो V इक्वल टू 300 साइन 100 t है, और इसका जो अल्टरनेटिव करंट है वो I इक्वल टू 6 साइन 100 t माइनस फाइव है, जहाँ फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस, कालांतर होता है। यहाँ पे हमें इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और जो धारा का और वोल्टता के बीच में जो कालांतर होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस में हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस सेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं, उसका लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, जो सबसे सही फॉर्मूला है, वो क्या यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो परिपथ का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे Z जो प्रतिघात होता है किसी भी अल्टरनेटिव करंट के लिए, Z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का जो स्क्वेयर होता है। ये किसी भी एलसीआर परपट के अंदर जो मास्टर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वो कहा जाता है। इसको हम मास्टर फॉर्मूला क्यों कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इससे आर एल आर सी सर्किट और एल सी आर तीनों सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि सर्किट के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है। अगर आर एल सर्किट है तो आर एल को सिर्फ लेके सॉल्व कर सकते हैं, अगर आर सी सर्किट है तो आर और सी को लेकर ये फॉर्मूला लेकर हम उस प्रॉब्लम को, इम्पीडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास डाटा दिया हुआ वो क्या दिया हुआ। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है प्रतिबाधा, प्रतिघात और कालांतर। तो यहाँ पर हमें जो डाटा दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो वी एम है, क्योंकि वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, अगर हम इस वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो वी एम की वैल्यू होगी, वी एम जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी सर्किट के अंदर, वो 300 यहाँ पे दे रखी है, 300 वोल्ट होगी। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम करंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो आई एम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमारे पास होगी 6। और एक और चीज़, 100 पाइड ओमेगा जो है यहाँ पे, ओमेगा है वो 100 टी है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए। तो प्रतिबाधा जो होती है एक्चुअली क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। किसी भी एलसीआर सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम प्रतिबाधा या इम्पीडेंस जेड कहते हैं, और जो जेड होता है वो होता है वी एम अपॉन आई एम, क्योंकि वी इज अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस जेड इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम होता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू तो वी एम अपॉन आई एम, और वी एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 300 और आई एम की जो वैल्यू है वो है आपकी 6 एम्पियर। तो इस प्रकार से जो Z की वैल्यू होगी 6 × 5 = 30 यहाँ पे ओम हो जाएगी, मतलब जो सर्किट का रेजिस्टेंस Z इक्वल टू है वो 50 ओम यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं जो परिपथ का प्रतिघात है। अब परिपथ का जो प्रतिघात होता है वो x होता है, x मतलब xl और xc के कारण जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। लेकिन LCR सर्किट है यहाँ पे, और LCR सर्किट का जो प्रतिघात होता है, जो रिएक्टेंस होता है, वो xl माइनस xc से शो किया जाता है। तो XL माइनस XC को हम फाइंड आउट करना है, मतलब रिजल्टेंट जो XL माइनस XC होगा वो हमें फाइंड करना, दोनों को अलग अलग फाइंड आउट नहीं करना है। तो LCR परिपथ का अगर प्रतिबाधा हमें ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला यही वाला हम लगाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं
इस तरीके से जैसा मैं यहां पे लिख रहा हूं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको एक्सएल माइनस एक्ससी फाइंड आउट करना है मुझे, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस परिपथ के अंदर r गिवन नहीं है, शायद मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है, मैं सवाल देख लेता हूँ। इसके अंदर जो सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा है वो यहाँ पे 40 ओम दे रखा है, सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं XL माइनस XC हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया आपका XL माइनस XC अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर। सो अब जेड की जो वैल्यू है वो आपकी है 50 माइनस, यहां पर आपकी जो आर की वैल्यू है वो है 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस 40 एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो एक्सएल माइनस एक्ससी का जो स्क्वायर होगा यहां पे हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर आपका जो वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन के बाद आएगी, मैं यहाँ पे देख के आपको बता देता हूं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब यहां पे हो जाएगा 2500 और यहां भी हो जाएगा 1600। इसको सॉल्व करूं तो यहां पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2500 में 1600 अगर माइनस करूं तो मेरे पास आएगी 900, और 900 जो होती है XL माइनस XC इक्वल टू ये हो जाएगी 30, और ये 30 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने पुट अप कर दी थी यहाँ पे R, और ये जो Z थी उसको सॉल्व करने पर पास 900, और 900 का जो अंडर रूट आ गया वो 30 आ गया। इस प्रकार से जो LCR सर्किट था उसका जो जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं XL माइनस XC की जो रिजल्टेंट वैल्यू थी कि दोनों मिलके कुल कितना प्रतिघात उत्पन्न कर रहे हैं, तो 30 ओम का प्रतिघात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उत्पन्न कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज दे रखी है कि धारा और वोल्टता के बीच कालांतर हमें ज्ञात करना है, तो जो कालांतर होता है वो फाई से दिया जाता है। एक फॉर्मूला हम LCR सर्किट के अंदर पढ़ते हैं टेन फाई का, टेन फाई इक्वल टू होता है XL माइनस XC अपॉन R। अब XL माइनस XC अपॉन R होता है, हमें सिर्फ फाई चाहिए, फाई मतलब यहाँ पे कालांतर सिर्फ फाई, क्योंकि यहाँ पे जो कालांतर दे रखा है वो फाई है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी की जो वैल्यू है वो आपकी है 30 अपॉन आर की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता रखी थी 40 दे रखी है, 30 अपॉन 40। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। इस प्रकार से जो कलांतर होगा वो 10 इनवर्स 3/4 होगा, और इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि प्रत्येक चीज को हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस परपथ के अगर हमें अनुनादी फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति भी अगर ज्ञात करना हो तो 2πfL, अगर हमें XL और XC की अलग अलग वैल्यू है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा LCR सर्किट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिए हमें सबसे पहले क्या क्या जो गिवन होता है उसको लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएट फॉर्मूला किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप
किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ वो आप जरूर याद रखना कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मतलब हम किस बारे में सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रखी है वो किससे रिलेटेड दे रखी है। तो उसके बारे में जो सभी बेसिक नॉलेज है, जैसे कि फॉर्मूला हो गया या फिर उससे रिलेटेड जो इंटरनल फॉर्मूलेस होते हैं, जो और भी टर्म्स होती हैं इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो होती है वो हमें मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें जो भी यहाँ पे डाटा गिवन दे रखा है, जो भी डाटा दे रखा है उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें अगर ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे 300 क्या है तो हम वैल्यू लिखेंगे क्या, उसको पुट क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो भी डाटा दे रखा है उन सबके बारे में अच्छे से नॉलेज भी होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, इसको ही बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर ये सारी चीज़ आपको मालूम है फिर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है उससे रिलेटेड, जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उससे रिलेटेड अगर फॉर्मूले हमें अच्छे से लर्न है तो ही हम किसी प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसे आप मजबूत कीजिए, फिर आप देखिए कोई सा भी प्रॉब्लम होती है उसे आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।